हिंदू पंचांग के मुताबिक मास की 15वीं और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को चंद्रमा आकाश में पूरा होता है, जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत खास माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने का विशेष महत्व है। एकादशी और प्रदोष व्रत की ही तरह इस व्रत की भी खास इम्पोर्टेंस है। मान्यता है कि इस दिन भगवान ने धरती पर मानव रूप में जन्म लिया था। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को बताया था। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत कथा को सुनने का विशेष महत्व है। कलयुग में इस व्रत कथा को सुनना बहुत प्रभावशाली माना गया है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत कथा क्यों सुनी जाती है। सत्यनारायण कथा में 5 मुख्य जो पात्र हैं, ये 5 पात्र ही नहीं है बल्कि ये मानव की 2 प्रवृत्तियों का प्रतीक है। सबसे पहली जो प्रवृत्ति है वो है सत्यग्रही और दूसरी प्रवृत्ति है मिथ्याग्रही। यहाँ पे ये समझाया गया है, स्कंद पुराण हमें ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जो है वो निर्धन है और वो मिथ्याभाषी हो सकता है। निर्धन है तो वो सत्यग्रही भी हो सकता है। दूसरी तरफ अगर धन संपन्न व्यक्ति है तो वो क्या है, वो मिथ्याग्रही भी हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो इसका जो इतिहास है ये पूर्णमासी को ही क्यों किया जाता है। इसमें जो चंद्रमा है वो उनको जो है वो बुध पुत्र की प्राप्ति जो है वो पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए पूर्णमासी के दिन किया जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी शुभ काम से पहले या मनोकामना पूरी होने पर सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी जाती है। सनातन धर्म से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सत्यनारायण कथा का नाम ना सुना हो। इस कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक यज्ञ के बराबर माना जाता है। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जिस स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है वहाँ गौरी गणेश, नवग्रह और समस्त द्वारपाल आ जाते हैं। केले के पेड़ के नीचे या घर के ब्रह्म स्थान यानी घर के केंद्र पर पूजा करना उत्तम फल देता है। इस पूजा के भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला और तुलसी दल विशेष रूप से शामिल किए जाते हैं। तो संसारिक जीव है वो क्यों करता है इसको, संसार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, धन संपदा हो, वैभव हो, इनको प्राप्त करने के लिए जो है वो सत्यनारायण की जो कथा करता है। बता दें कि सिर्फ पूर्णिमा को ही नहीं बल्कि परिस्थिति के मुताबिक किसी भी दिन कथा सुनी जा सकती है। मन में भगवान के प्रति अगर सच्चा प्रेम है तो कोई भी दिन हो प्रभु की कृपा बरसती रहेगी। इस कथा के प्रभाव से खुशहाल जीवन, दाम्पत्य सुख, मनचाहे वरवधु, संतान और स्वास्थ्य जैसी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर पैसों से जुड़ी कोई परेशानी है तो ये कथा किसी संजीवनी से कम नहीं है। तो ऐसी ही कुछ और मजेदार बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें पंजाब केसरी का यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी।